जय श्री कृष्ण। गीतादाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर के आज ऑनलाइन क्लासेज में हम कक्षा 10 का सामाजिक ज्ञान का ही भाग है भूगोल, उसका अध्याय 8 जल संरक्षण कल पढ़ रहे थे। आज हम उसमें पढ़ेंगे राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप कौन कौन से हैं, यानी जल संरक्षण की जो पद्धतियां हैं उनमें से राजस्थान में कौन कौन सी पद्धतियां हैं और उसका प्रबंध करना उचित है, किस तरह से राजस्थान में जल संरक्षण का प्रबंध किया जाता है। तो पहले तौर तरीका है राजस्थान में जल संरक्षण का, वो पहला तरीका है बावड़ी। क्या है बावड़ी? यह चतुष्कोणीय गोल और वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत जिसमें प्रवेश मार्ग के माध्यम मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। बावड़ियां हमने देखी है, ये चतुष्कोण चार कोणों वाली भी होती है, गोल भी होती है, वर्तुलाकार आकार में लंबी, और इसके मार्ग में ईंटों से एक रास्ता किया जाता है, कुआ सीढ़ियों वाला कुआ जिसे कहा जाता है, सीढ़ियां होती हैं और कई बार इन्हें इतना कलात्मक बनाया जाता है कि देखते ही इनका सौंदर्य मन को लेता है। इसके आगे आंगनुमा भाग होता है, शुरुआत में तो एक आंगन जैसा चबूतरा होता है, चौबारा होता है, इस भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं, सीढ़ियों पर पहुंचने के लिए है जो कलात्मक मेहराब और स्तंभ और झरोके होते हैं। तो ये राजस्थान में झरोके स्तंभ और मेहराब बने होते हैं, इन झरोकों पर है जो स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती हैं। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक स्रोत होता है और इसका उपयोग या तो व्यक्तिगत होता है या सामूहिक भी होता है। कई कई बावड़ियां हैं जो सामूहिक रूप से भी रखी गई हैं, कई कई हैं जो व्यक्तिगत बावड़ियां भी रखी गई हैं। बावड़ियों राज्य के सभी जिलों में लगभग मिलती हैं, लेकिन बूंदी शहर की बावड़ियों का अधिकता के कारण इसे सिटी ऑफ स्टेपवेल भी कहा जाता है। बूंदी जिले को राजस्थान में बूंदी में सर्वाधिक बावड़ियां हैं। क्या है? सर्वाधिक बावड़ियां हैं, सर्वाधिक बावड़ियां हैं, इसलिए बूंदी को है जो स्टेप सिटी ऑफ स्टेप वाय क्या सिटी ऑफ स्टेप वाल या वेल्स कहते हैं, वेल्स कहा जाता है, वेल यानी कुआ, स्टेप कुआ। इसके अलावा जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भारद्वाज बावड़ी और चित्तौड़ की विनीता बावड़ी और आबानेरी की चांद बावड़ी भी प्रसिद्ध है। आबादावरी की चांद बावड़ी और जोधपुर की तापी बावड़ी भी अपने आप में है जो बहुत ही ज्यादा कला। दूसरा जो मुख्य रूप होता है तालाब, क्या है? राजस्थान में जो दूसरा है वो है तालाब। क्या है? तालाब। तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है जो पशुधन और मानव के पेयजल का स्रोत होता है। तालाब हमारे गांवों में है जो तालाब से ही जल आपूर्ति होती थी पहले, और ये इकट्ठा करने का एक माध्यम होता था, पेयजल का स्रोत होता था। अधिकांश तालाब का निर्माण ढालू भाग के समय किया जाता है, ढाल की तरफ, जहाँ से पानी वर्षा का पानी बहकर उस एक जगह पर इकट्ठा हो सके। इन तालाब का निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी रहती थी। कौन कौन सी? धार्मिक और सामाजिक भावना। या तो धर्म के नाम पर तालाब खुदवाए जाते थे या समाज के उत्थान के लिए तालाब खुदाए जाते थे। इस कारण इसकी सुरक्षा और संरक्षण आसानी रहता था। धर्म के नाम पर सुरक्षा और संरक्षण होता था और समाज के नाम पर भी सुरक्षा और समाज होता था। राजस्थान के प्रमुख तालाब जो तात्कालीन समय में जल स्रोत रहे हैं, जैसे पाली का हिमावास तालाब, सरेरी तथा मेजा तालाब भीलवाड़ा में, और अनकिया तथा सोनापाती तालाब चित्तौड़ में, गडीसर और गजरूप सागर जैसलमेर में तालाब प्रसिद्ध है, और इन तालाबों से पेयजल स्रोत भी इकट्ठा किया जाता है। तीसरा जो रूप है राजस्थान में वो तीसरा रूप है झीलें। क्या है? झीलें। झीलें प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित भी होती है। झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने से सर्वाधिक प्रचलित स्रोत है, और ये किसके लिए है? बहते जल के लिए, बहते जल के लिए। अर्थात जल एक जगह बहेगा, ज्यादा होगा तो आगे चला जाएगा और कुछ या
इन जिलों का निर्माण स्थानीय साहूकारों स्थानीय शासकों साहूकारों और बंजारों ने के द्वारा किया गया। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के रूप में भी काम आती है, क्योंकि बहता जल है इसलिए इसमें जल की कमी नहीं रहती है। यहाँ जिला स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक रही है, अकाल तथा सूखे में जीवनदायिनी का काम कर रही है। इन जिलों में अजमेर की आना साहब सागर, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, चूरू की ताल छापा और जालोर का बांकली बांध, टोंक का टोडर टोडरी सागर, पाली का सतार सुमन, बूंदी का नवलक्का, ये है जो जिले हैं। अब है नाडी, क्या है नाडी, ये तालाब का छोटा रूप होता है। क्या होता है? तालाब का छोटा रूप होता है। पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। कहां? पश्चिमी राजस्थान में अधिक पाए जाते हैं। नाडी में मैदानी भागों से वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। सामान्य से 3 से 4 मीटर ये गहरे होते हैं। इनका आकार छोटा तथा गहराई कम होती है। वर्षा जल के आने के साथ साथ मिट्टी के कारण यह जल अल्पकाल के लिए इकट्ठा होता है। इन नाड़ियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है और नाड़ियों को गहरा किया जाता है। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। पश्चिमी राजस्थान का ये मुख्य स्रोत रहे हैं। फिर चौथी चीज है टांका। टांका कौन सा है? टांका पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत, जल संरक्षण स्रोत के लिए जो प्रत्येक घर तथा खेत में भूमि पर गहराई में बनाते हैं। ये घर या खेत में होता है। क्या होता है? घर या खेत में होता है, और कई बार सामूहिक भी होता है। क्या होता है? सामूहिक भी होता है। जो मिट्टी को खोदकर गड्ढा खोदकर बनाया जाता है, इसके ऊपर पथवा अथवा स्थानीय जो उपलब्ध संसाधन है, किसी भी तरह के ईंट मिट्टी या दूसरे अन्य उन संसाधनों से ढक दिया जाता है तथा इसमें घरों की छतों और आगोर से आने वाले वर्षा जल का, या तो इस पर छत का पानी आता है। क्या आता है? छत का पानी, या फिर इसका आगोर होता है। क्या होता है? आगोर कहते हैं उस टांके के आसपास की भूमि, या आसपास की भूमि जो होती है उसे आगोर कहते हैं। जितना बड़ा आगोर होगा उतना ही उसमें पानी इकट्ठा होगा। इसके आंतरिक भाग को राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है जो जल रिसाव या तली में कटाव को रोकता है। राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना तथा अन्य योजनाओं में इन टांकों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में सिखावटी तथा हरियाणा में वर्षा जल संग्रहण का ये उत्तम साधन है, इनका रूप सामान्यतः टांके के आकार का ही होता है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा और गोल खुला होता है। इसमें बहते हुए जल को इसके आगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, जो जोड़ पशुओं के लिए पेयजल का एक होता है जोड़। टांका जो ऊपर से ढका हुआ नहीं रहता है और खुला हुआ रहता है, टांके की तरह होता है, खुदा हुआ गड्ढा होता है जिसे जोड़ कहते हैं। एक होता है कुई या बेरी। क्या होता है? कुई या बेरी जो लंबी होती है मिट्टी में खोद के बनी। यह पश्चिमी राजस्थान के तालाब तथा खड़ीन के आगोर को वो भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थर से बांधा जाता है जिसमें भूमिगत जल रिसाव कर आता रहता है। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में बेरी भी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। छोटा कुआ कम मुंह का खोदा गहरा खोदा जाता है, अंदर से इसे लकड़ी या जो स्थानीय संसाधन है उससे बांधा जाता है या फिर ईंटों से, फिर इसमें जो रिसाव होकर पानी इकट्ठा होता है ऊपर से ढक दिया जाता है घास फूस से, जो इकट्ठा होता है उसको सामान्य उपयोग में लिया जाता है। एक है खड़ी। खड़ी खड़ी वस्तु जैसलमेर
जिले के मध्य काल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की ऐसी तकनीकी है जो कृषि योग्य कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयोग माने जाते हैं। पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों में कच्ची अथवा पक्की मोड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है जिससे इसे दूसरे खड़ीन की भूमि को जल में मिल जा सकते हैं। इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि होती है, मिट्टी का कटाव रुकता है, मिट्टी के कटाव भी रुकता है और नमी बनी रहती है। रबी तथा खरीफ की फसलें दोनों आसानी से पैदा होती हैं। साथ ही इसके किनारों को आगोर पर बनी बेरियों में ग्रीष्मकाल में है जो पानी भी मिलता रहता है। इस तरह से राजस्थान में जल संरक्षण और जल प्रबंध परंपरागत रहा है क्योंकि यहाँ राजस्थान में अकाल और सूखे की स्थितियाँ लगातार और हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए यहाँ की स्थानीय जनता और शासकों ने जल की एक एक बूंद को सहज कर उपयोग में लाने की अपनी मानसिकता को विभिन्न तकनीकों को जन्म दिया। धार्मिक आस्था से जुड़े होने के से स्वतः ही संरक्षित होते रहते हैं जल। इस कारण ये लंबे समय तक स्थानीय जीव जंतुओं और प्राकृतिक वनस्पति और मानव के लिए पेयजल उपलब्ध कराए। अब हमारे यहाँ कुछ योजना भी है जल के लिए। राजस्थान में जल से संबंधित जो योजनाएं चलती हैं वो योजनाएं जल संरक्षण के संबंध में हमारे यहाँ योजनाएं हैं। तो पहली है जल स्वावलंबन। जो योजनाएं सरकारी योजनाएं हैं उनमें पहली योजना है जल स्वावलंबन और जो दूसरी योजना है वो योजना है आपकी, उसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। क्या है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। जल स्वावलंबन में तो क्या है कि जो भूमिगत गिरते जल स्तर पर स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की जो दुर्दशा है, जो हमने पढ़ा कुएं बावड़ी तालाब या खड़ीन या जो दूसरे तौर तरीके हैं उनको सुधारना है और उनको संकट संरक्षण करके पुनर्जीवित करना, यह है जो जल स्वावलंबन है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में योजना ग्रामीण स्तर पर जल क्षेत्र से जुड़ी प्राकृतिक संसाधन मानते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार और भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना है। इन योजनाओं में भूजल स्तर में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ प्राचीन स्रोत जैसे कुएं तालाब बावड़ियां लुप्त हो रही हैं उनको पुनर्जीवित करने का भी काम है। इस तरह से ये दो योजनाएं चल रही हैं और इन योजनाओं से राजस्थान में जल संरक्षण का कार्य होगा। धन्यवाद। कल हम उनके प्रश्न उत्तर के बारे में